चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए, उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाए, आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो दिशा और दूरी का चल रहा है। दिशा और दूरी का ये टाइप सेकंड है जिसमें हम इस टाइप के क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे, जिसमें बोल देगा कि ये दिशा को वो कहा जाता है, उस दिशा को ये कहा जाता है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आज इस वीडियो में हम सीख लेंगे। देखो, पहले बेसिक से तैयारी करेंगे, इसकी बेसिक से सीखेंगे, ताकि बेसिक से सीखने के बाद में हम इतने हो जाएं कि ट्रिक के मीडियम से क्वेश्चन को कर लें, क्योंकि बेसिक से ही ट्रिक बनती है। तो आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। जो आज हमारा टॉपिक है वो सेकेंड टाइप है। सेकेंड टाइप में क्या क्या पढ़ना है कि दिशाओं के नामों में परिवर्तन से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं, कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, और मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, अगर अभी तक लास्ट वाली वीडियो जिसमें पार्ट वन था वो नहीं देखी है तो जाकर उस पार्ट को देख लीजिए। वो भी पार्ट मेक श्योर करूंगा कि वो पार्ट आपने देख लिया है। तो मैं एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि क्या होते हैं। देखो, ध्यान रखो ये चीज। अब ये इसमें देखो कि ये जो ऊपर वाला होता है इसको क्या कहते हैं, उत्तर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उत्तर। उत्तर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉर्थ। ये हो जाएगा क्या, पूरब। पूरब को हो गया ईस्ट, और ये हो जाएगा है दक्षिण। दक्षिण को कहा जाता है साउथ, और ये हो जाएगा पश्चिम, और पश्चिम को क्या कहा जाता है, वेस्ट। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्लियर है? अगर इनके बीच में ये लाइन है तो ये लाइन क्या दिखाएगी, ये लाइन दिखाएगी नॉर्थ और ईस्ट को। ये जो लाइन है ये क्या दिखाएगी, ये दिखाएगी साउथ ईस्ट को। ये वाली जो लाइन है ये क्या दिखाएगी, साउथ वेस्ट को। और ये लाइन जो दिखाएगी ये दिखाएगी नॉर्थ वेस्ट को। ठीक है, इन दोनों से कनेक्ट जो दिशा बनती है वो नॉर्थ वेस्ट बन जाएगी। हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब। ये क्या हो जाएगी, दक्षिण पूरब। ये पश्चिम दक्षिण, और ये पश्चिम उत्तर। ठीक है, चारों दिशा बता दिए। इन दिशाओं को अगर समझ में आ गया तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन को इसको करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले हमें सबसे पहले ये डायग्राम बनाना पड़ेगा कि कह रहा है कि इस डायग्राम को बना लो। मैं छोटा सा एक डायग्राम बना लेता हूँ, शेप टाइप में छोटा सा ही डायग्राम बनाना, मुझे ज़्यादा बड़ा डायग्राम ना बनाना ये। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ये लाइन और खींचती मैंने, इसको लाइन को खींच लो। देखो ये लाइन बनाती, लाइन बनाने के बाद में अब इस क्वेश्चन को लिखने का, दक्षिण पूरब। अब देखो दक्षिण पूरब जो है वो दक्षिण पूरब कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये दक्षिण है और ये पूरब है। दक्षिण पूरब को उत्तर कहा जाए, ये जो वाली साइड है यानी ये वाला जो पॉइंट है इसको क्या कहा जाता है, उत्तर कहा जाता है। उत्तर लिख दिया। ठीक है, अगर ये उत्तर कहा जाता है तो उत्तर के सामने क्या होता है, उत्तर के सामने देख रहे हैं कि यहाँ देखो देखो दक्षिण होता है। तो यानी ये जो पॉइंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। क्लियर है? पहले पॉइंट से हमें ये बात पता चली। आगे करो, अब देखो उत्तर पूरब को पश्चिम कहा जाता है। अब उत्तर पूरब कौन सा, उत्तर पूरब ये है, और उत्तर पूरब को क्या कहा जाता है, पश्चिम। तो ये वाला जो पॉइंट है अब क्या कहलाएगा, पश्चिम। और पश्चिम के सामने क्या होता है, पूरब होता है, क्योंकि डायरेक्शन में यही पता चलता है कि पश्चिम के सामने क्या मिलेगा, पूरब मिलेगा। क्लियर है? अब कह रहा है कि यही परिवर्तन रहता है तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। देखो ये यहाँ होता है पश्चिम, अब पश्चिम में एक देखो दक्षिण आ रहा है, पूरब आ रहा है, दक्षिण और पूरब के बीच में क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो दक्षिण पूरब यहाँ आ जाएगा, दक्षिण और पूरब। तो दक्षिण पूर्व हमारा जो भी वो भी आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है कि एक डायग्राम बनाना, उसमें जो भी पूछे, जैसे उत्तर पूर्व था तो पश्चिम को लिख देना, पश्चिम के सामने हमें पता है, पता होनी चाहिए कि देखो तो पश्चिम के सामने क्या होता है, और पता है उत्तर के सामने क्या होता है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए जब भी क्वेश्चन होगा। तो आइए इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे कि ये टाइप सेकंड का सातवां क्वेश्चन देखिए। मेरे करने से पहले इस क्वेश्चन को पहले खुद करके देखो, और जब हो जाए देखो इस क्वेश्चन को करो। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये कह रहा है यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए इत्यादि, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए, फिर बाएं मुड़े, फिर सीधे चलकर दोबारा बाएं जब मुड़े,
तो किस दिशा की ओर जा रहा है। थोड़ा टिपिकल लेवल तो हो जाएगा, बट देखो एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आईएएस इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं शेप आउट बना लेता हूँ, इसे शेप आउट बना ले, ये है शेप, क्लियर है। उसके बाद में थोड़ा अब देखो, उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाता है, जो उत्तर है उत्तर कहाँ होता है, यहाँ, तो इसको क्या कहा जा रहा है, उत्तर पश्चिम कहा जा रहा है, तो उत्तर और पश्चिम आ गया यहाँ। पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाता है, अब ये पश्चिम जो है पश्चिम को क्या कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम कहा जाता है। देखो दक्षिण और पश्चिम कहा जाता है इस वाले पॉइंट को, अब पश्चिम यहाँ हो गया पश्चिम यहाँ हो गया, तो दोनों जगह पश्चिम है, तो जो बीच में होगा वो क्या होगा, वो देखो इनके बीच में पता, आगे देख लेते हैं, अभी आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं, एक व्यक्ति दक्षिण, अब आगे भी बोल रहा है दक्षिण को दक्षिण पूरब कहा जाता है, अब तो दक्षिण है, दक्षिण कौन सा, ये, तो ये दक्षिण को क्या कहा जाता है, दक्षिण पूरब कहा जाता है, दक्षिण पूरब कहा जाता है, ठीक है। और इत्यादि, अब इत्यादि कह दिया तो दक्षिण, देखो दक्षिण हो गया तो दक्षिण कहाँ होगा, दक्षिण यहाँ होगा, यहाँ दक्षिण हो गया, दक्षिण के सामने क्या हो गया, यहाँ उत्तर हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पश्चिम हो जाएगा, क्योंकि देखो पश्चिम दोनों जगह है, पश्चिम यहाँ हो गया, अब पश्चिम यहाँ हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पूरब हो जाएगा, क्लियर है, नहीं बात है, समझ में आ गई है तो चीज़। अब यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होता है, अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ से आगे को, एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूरब की ओर जाता है, अब दक्षिण पश्चिम में है वो, दक्षिण पश्चिम का कहने का मतलब दक्षिण पश्चिम से यहाँ से चला और कहाँ जा रहा है, उत्तर पूरब की तरफ, उत्तर पूरब देखो यहाँ है तो इधर की तरफ वो बढ़ा, उत्तर पूरब की बढ़ा और की ओर जाए, फिर बाएं मुड़ जाए, बाएं मुड़ने का मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा, ऐसे आएगा, फिर सीधे चलकर दोबारा बाएं मुड़े, बाएं मुड़ने का मतलब वो इधर की तरफ मुड़ जाएगा, मुड़ गया, तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है। अब देखो ये दिशा क्या है, ये दिशा है दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रही, यही ऑप्शन होगा, और इस क्वेश्चन आगे बढ़ जाएंगे। देखो अगर समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को बैक कीजिए और साथ में क्वेश्चन से रिपीट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 8 करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, पहले मेरे करने से पहले खुद करके देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये देखो, दक्षिण को पूरब कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो बनाइए वही डायग्राम। ये देखो बना दिए ना, अब कह रहा है कि दक्षिण को पूरब कहा जाए, यहां होता है दक्षिण तो इसको क्या कहा जाता है, इसको पूरब कहा जाता है, और पूरब के सामने क्या होता है, पूरब के सामने पश्चिम होता है, ठीक है। अब पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है, जो भी पश्चिम है, पश्चिम कहाँ होता है, यहाँ, इसको कहा जाएगा अब दक्षिण, और दक्षिण के सामने क्या हो जाएगा, दक्षिण के सामने उत्तर हो जाएगा, क्लियर। यही क्रम जारी कहा जाए तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, अब देख लो उत्तर में क्या है, उत्तर में पश्चिम दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वेश्चन करेंगे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, यदि उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन एक बार मेरे करने से पहले खुद करके देखो, तो क्या है, देखो उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम कहाँ होता है, उत्तर पश्चिम यहाँ होता है, तो ये लाइन जो है ये उत्तर पश्चिम कहलाती है, ये, ठीक है, तो उत्तर पश्चिम को क्या कहा जा रहा है, पूरब, अगर इसको क्या कहा जा रहा है, पूरब, तो पूरब के सामने क्या होता है, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम को, दक्षिण पश्चिम कौन सा होता है, दक्षिण पश्चिम ये होता है, ठीक है, तो इसको दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जा रहा है, अगर ये उत्तर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, तो आगे भी परिवर्तन यही क्रम जारी कहता है, दक्षिण को क्या कहा जाएगा, दक्षिण को, अब दक्षिण कहाँ होता है, यहाँ, और देखो दक्षिण किस किन के बीच में आता है, एक तो उत्तर के आ रहा है और एक पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम क्या होगा, हमारा आंसर होगा उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी, ये आंसर हो जाएगा, और क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तर पूरब को दक्षिण पूरब कहा जाए, पश्चिम को उत्तर कहा जाए,
आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा? दक्षिण पश्चिम का आंसर बताना है, तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले शेप आउट बना लेते हैं कि शेप क्या बनेगी। शेप बना ली है, क्लियर है। अब देखो उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व कहाँ होता है? उत्तर पूर्व यहाँ होता है, ये उत्तर पूर्व होगा क्योंकि उत्तर होगा यहाँ और पश्चिम होगा और उत्तर पूर्व होगा यहाँ। तो इसको तो लिखने की जरूरत है नहीं, ये माइंड माइंड में होनी चाहिए। अगर अभी तक नहीं है तो माइंड में दोबारा इसको कर लीजिए। तो उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए, जो उत्तर पूर्व है इसको क्या कहा जा रहा है? इसको दक्षिण और पूर्व कहा जा रहा है, क्लियर जाए। और पश्चिम को उत्तर कहा जाए, पश्चिम जो यहाँ है अब इसको बोला जा रहा है उत्तर। आगे परिवर्तन यही क्रम जारी रहे जो दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा? अब देखो उत्तर के पीछे क्या हो गया? दक्षिण हो गया। देखो यहाँ पूरब आ रहा तो पूरब कहने का मतलब पूरब यहाँ भी होगा, पूरब यहाँ है तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पश्चिम होगा, ठीक है। अब दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा? दक्षिण पश्चिम कहाँ होता था? दक्षिण पश्चिम यहाँ होता था। तो दक्षिण पश्चिम को देख लो अब क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ कहा जा रहा है उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम कहा जा रहा है, उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन को आकर है ऑप्शन लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन समझ में, देखो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा जाए, उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? अब उत्तर को ढूंढना है कि उत्तर को भाई क्या कहेंगे। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। दक्षिण पश्चिम, तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा डायग्राम, और डायग्राम बना दिया ये, क्लियर। अब कह रहा है दक्षिण पश्चिम को पूरब कहा जाए, दक्षिण पश्चिम कहाँ है? दक्षिण पश्चिम यहाँ होता है, तो इसको क्या कहा जा रहा है? इसको कहा जा रहा है पूरब। तो पूरब के जस्ट विपरीत में क्या होता है? पूरब के जस्ट विपरीत में होता है पश्चिम, तो पश्चिम हो गया यहाँ। उत्तर पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, उत्तर पश्चिम कहाँ होता है? उत्तर पश्चिम यहाँ होता है, ये तो इसको दक्षिण कहा जाए। अगर दक्षिण ये है तो इसके जस्ट विपरीत में कौन होता है? उत्तर कहा जाए। और आगे भी परिवर्तन का क्रम इसी प्रकार जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा? अब देखो उत्तर कहाँ होता है? यहाँ। तो देख लो उत्तर को क्या कहा जाएगा, यहाँ पर दक्षिण है और यहाँ पर पश्चिम है, तो सीधा सा दक्षिण और पश्चिम कहा जाएगा। दक्षिण पश्चिम कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी। अगर देखो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं टाइप थर्ड के बारे में बात करूंगा, जो टाइप थर्ड के क्वेश्चन आते हैं इसी टॉपिक से। तो अगर वीडियो पसंद है तो देखो कमेंट सेक्शन में यस बोल देना, कमेंट जरूर करना, क्योंकि मुझे उससे थोड़ी प्रोत्साहित मिलती है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।